बढ़ते हैं आगे। नोटबंदी के बाद पुराने नोट जमा करने के 1.5 लाख मामलों की जांच हो रही है। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में जमा पुराने नोटों के मामलों की सख्ती से जांच कर रहा है। आयकर विभाग ऐसे 1.5 लाख मामलों की जांच कर रहा है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें लोगों ने बड़ी रकम जमा की है और उनका स्रोत नहीं बताया है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें बड़ी संख्या में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा किए गए और ये कहाँ से आए, यानी इस कमाई का सोर्स क्या है, यह अभी साफ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ऐसी किसी आमदनी की घोषणा नहीं की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में साल 2017-18 से 2018-19 के दौरान पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के लोग सबसे आगे हैं। तो आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर जो जांच की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से, 1.5 लाख कुल ऐसे मामले हैं जिसमें पुराने नोट जो जमा किए गए उनके सोर्स नहीं बताए गए।